बच्चों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बच्चों हम किस राज्य में रहते हैं? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं सबसे बढ़िया नारा बताता हूं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चलो इस संबंध में ना मैं 2 पंक्ति आपको गाकर बताता हूं छत्तीसगढ़ महतारी के संबंध में। मोर छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा। मोर लक्ष्मी दाई के कोरा, भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा। अब बताओ छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा। बहुत सुंदर। आओ अब ये बताओ इसको धान का कटोरा क्यों कहते हैं? हाँ, यहां खेती में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल धान है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो आज हम पाठ 11 छत्तीसगढ़ की फसल धान के बारे में जानेंगे। अच्छा, धान की फसल की एक विशेषता होती है कि उसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके पौधे पानी से भरे खेत में ही वृद्धि करते हैं, क्योंकि अधिक पानी से ही उचित प्रकार की वो वृद्धि करते हैं। तो धान के अलावा बच्चों गेहूं, जौ, गन्ना, कपास आदि खरीफ फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये देखो पानी युक्त आपको दिखाई दे रहा है ना फसलें, धान की फसल। हाँ, अब धान की फसल की संपूर्ण प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रक्रिया है, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है ना, जुताई। सबसे पहले वो नांगर जोत रहा है ना, हाँ, फिर उसके बाद करते हैं बुआई, बुआई के बाद निंदाई करते हैं, और निंदाई के बाद वहां क्या छिड़कते हैं? खातू सिंचाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको काटते हैं, और काटने के बाद उसका मिसाई करते हैं, और मिसाई के बाद मंडी में ढुलाई करते हैं। ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में धान की फसल को पैदा करने की प्रक्रिया है। अब आओ आगे हम जानते हैं कि धान की फसल की बुआई कौन कौन सी विधियों में करते हैं, माने उसको धान की बुआई कहते हैं, है ना। तो इसकी 2 विधियां हैं बच्चों। पहला है बोता विधि, या इसी को बोलते हैं छिटकवा विधि। दूसरा है रोपा विधि। तो आओ जानेंगे बोता या छिटकवा विधि किसको कहते हैं। पहली बरसात के बाद खेतों में धान छिड़क कर हल चला दिया जाता है। ये देखो नांगर जोता थे ना किसान, धान छिड़का थे ना, हाँ, तो असिंचित उपजाऊ भूमि में ये छिटकवा विधि से धान बोते हैं। आओ दूसरा विधि है रोपा विधि, या इसी को रोपाई कहते हैं। तो बच्चों रोपाई के पूर्व ना थरहा लगाया जाता है। तो थरहा का रोपण कैसे करते हैं? रोपा के पूर्व किसी एक खेत में धान को सघन या घना छिड़क कर जुताई करके उसमें पानी देकर धान का पौधा तैयार करते हैं, और इस पौधे को ही थरहा कहते हैं, जिसे रोपा के कार्य में लिया जाता है। अब रोपाई करते हैं उसके बाद, तो रोपाई या रोपा कैसे करते हैं? धान को खेत में बोने के पहले खेत की तैयारी करते हैं, इससे पहली बरसात होते ही खेत में हल चलाया जाता है और मिट्टी को उलट पुलट दिया जाता है। इसी दौरान मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए देसी खाद डाली जाती है। कई बार हम गोबर का खाद या घरेलू खाद डालते हैं ना, हाँ। अब खेत में पानी भरकर मिट्टी को समतल करते हुए पाटा जाता है,
और धान बोने के लिए इस तरह तैयार खेत में धान की रोपाई की बारी आती है। तो पहले से तैयार थरहा को पंक्तियों में बराबर बराबर दूरी में खेत में लगाया जाता है, इसे ही रोपाई कहते हैं। अब बच्चों, धान में रोपाई के बाद खाद का छिड़काव करते हैं। अब ये छिड़काव कैसे होता है? गोबर खाद का प्रयोग नहीं होने और कम होने के कारण मिट्टी की अम्लता बढ़ती जा रही है, जिसे कम करने के लिए और धान की फसल अच्छी हो इसलिए उसमें यूरिया, कोटेड यूरिया, पोटास आदि रासायनिक खाद का छिड़काव किया जाता है। ये देख, छिड़क रहा है ना किसान खेत में खाद। हाँ, और इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद निंदाई और खरपतवार क्या होता है इसको जानते हैं, है ना। तो धान की फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। कुछ कांदी 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 उग जाते बोलते ना, हाँ, तो उसी को खरपतवार कहते हैं जो अन्य पौधे उग जाते हैं। खरपतवार को पहचान कर खेत से उखाड़ कर बाहर फेंकना निंदाई कहते हैं, या कई बार बच्चों उसको ना उखाड़ कर नीचे मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे कि वो सड़कर उसी खेत में ही वो खाद का कार्य करने लगता है। अधिकतर छिटकवा विधि में रोपा की अपेक्षा अधिक खरपतवार होती है। अब धान की निदाई के बाद धान की बारी आती है कटाई की और मिसाई की। तो खेत में धान पक जाने पर या सूख जाने पर हंसिया द्वारा या हार्वेस्टर मशीन द्वारा कटाई किया जाता है। पहले हंसिया का उपयोग करते थे ना, आजकल बहुत सारी मशीन आ गई है। हार्वेस्टर मशीन देखो चित्र में दिख रहे हैं ना, एक ओर हंसिया का कटाई कर रहे हैं और दूसरी ओर आपका मशीनें रखी हुई है। आजकल दोनों का उपयोग हो रहा है ना, आधुनिक खेती भी कर रहे हैं। अब मिसाई या ढुलाई के बारे में जानते हैं। कटाई के बाद धान को ब्यारा में लाकर खरही लगा कर रखते हैं। खरही को फिर क्या करते हैं? फैलाते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? पैर डालना। और उस पर पैर डाले हुए धान के ऊपर बेलन या ट्रैक्टर चलाने पर धान क्या होता है? नीचे बैठ जाता है और पैरा ऊपर रह जाता है, जिसे पैरा को अलग कर लेते हैं, इसे ही मिसाई कहते हैं। इस प्रकार से धान पैरे से अलग हो जाता है। अब जो मिसा हुआ धान है उसमें कुछ हमारे बालू आदि रह जाता है या पैरे के कण रह जाते हैं, उसे ओसाई करते हैं। ओसाई कर धान को हवा या पंखे से उड़ाते हैं और साफ धान प्राप्त कर लेते हैं। धान को फिर बोरे में या कोठी में रखते हैं। धान की कटाई या मिसाई के बाद किसान धान को लेकर मंडी में बेच देते हैं, जहां से धान राइस मिलों में बेच दिया जाता है। और राइस मिलों में धान की कुटाई करके क्या प्राप्त कर लेते हैं? चावल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार धान से क्या मिल जाता है? हमें चावल मिल जाता है। ये देखो चित्र में दिया हुआ ना, मंडी में बोरे से रखा हुआ है, ओसा रहे हैं, ओसाई कर रहे हैं, ऐसे सूपा लेकर ओसाई करते हैं ना, उड़ाते हैं ना धान को, उसी को बोलते हैं ओसाई, है ना। और देखो धान से चावल भी बनता हुआ चित्र आपको दिखाई दे रहा है। चलो अब आगे जानते हैं बच्चों, ये चावल का उपयोग और उससे कौन कौन सा पकवान बनता है। आप लोग खाए होंगे ना, घर में खाते होंगे, तो अंगाकर रोटी, फरा, चीला, एनसा, खीर आदि बहुत से पकवान चावल से बनते हैं। आपके घर में भी बनता होगा। अब और आगे जानते हैं कि खेती में कौन कौन सा औजार उपयोग करते हैं और उसका उपयोगिता क्या है। खेती के कामों में देखो चित्र में दिख रहा है ना, हल या नांगर, कुदाली, फावड़ा, हंसिया, बेलचा, इनका उपयोग करते हैं।
हल यंत्र जिसको नांगर बोलते हैं ना, उससे क्या करते हैं, खेतों की खुदाई करते हैं, बोआई और जुताई में उपयोग में लाते हैं, और कुदाली गड्ढा खोदने में, और खंती कोड़ते हैं ना, इसमें आयताकार खंती कोड़ते हैं, फावड़ा खुदाई में और धान इकट्ठा करने में, और हसिया धान को काटने में, और बेलचा का उपयोग धान को इकट्ठा करने और उसको उठाने में करते हैं। और आप जाने कि छत्तीसगढ़ में धान के फसल के समय बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ये देखो चित्र में दिख रहा है ना, वो गेड़ी चढ़ा हुआ है, वो कौन सा त्योहार है, हरेली त्योहार। और बाजू में जो ऑरेंज कलर का जो ड्रेस पहने हुए, कौन सा त्योहार है, सावन सोमवार का त्योहार, बोल बम का दौरा निकलते हैं ना सब लोग। तीसरा है नाग पंचमी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, और हमारे घर घर में जाकर टोकरी लेकर सब बच्चे लोग बूढ़े लोग ढोल बजागे के साथ मांगते हैं ना, उसको कौन सा त्योहार बोलते हैं, छेर छेरा पुन्नी, बहुत अच्छा। और आंवला नवमी का भी त्योहार मनाते हैं, और भी त्योहार मनाते हैं, कौन कौन सा त्योहार है, पोला का त्योहार। ये देखो चुक्की पूरा रखा हुआ ना, नांदिया बैला रखा हुआ है, देखो नांदिया बैला सजा हुआ दिखाई दे रहा होगा। कई गांव में बैल दौड़ सजावट की प्रतियोगिता होती है, कई जगह बच्चों ये जो है आपको नारियल फेंक प्रतियोगिता होती है, उससे ना गोला आदि फेंकने में हमारा छत्तीसगढ़ का बच्चों का प्रैक्टिस होता है। ये गोला फेंक का ही रूप है नारियल फेंक प्रतियोगिता। ऐसे ही कई गांवों में कबड्डी होता है बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का। और बच्चों हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्य त्योहार तीजा, जो हरतालिका पर्व है ना माताओं बहनों का, ये त्योहार यही धान के फसल के दौरान मनाई जाती है। आओ मैं एक सौनाही गीत और उसका नृत्य करते हुए, देखो चित्र देख रहे हो ना, उस गीत को गाकर बताता हूं। वो भोजली गीत के रूप में है, ये भोजली दिखाई दे रहा है ना, देवी गंगा लहरा तुरंगा हो, लहरा तुरंगा हमारो लहर में भोजली भींजे आठो अंगा, हो देवी गंगा माड़ी भर जो नरी पुरुष खुशियारे हो, पुरुष खुशियारे जल्दी जल्दी बढ़ाओ भोजली हो होशियारे, देवी गंगा आहो देवी गंगा, देवी गंगा देवी गंगा लहरा तुरंगा हो, लहरा तुरंगा हमारो लहर में भोजली भींजे आठो अंगा, देवी गंगा। ऐसी ना आप लोग भी कई ठो हमारे छत्तीसगढ़ में गीत हैं प्रचलित गीत, इसके दो चार लाइन आप लोग भी गाकर इसका अभ्यास किया करो, है ना। बहुत से गीत हमारे छत्तीसगढ़ में फेमस है। आओ रासायनिक खाद के बारे में जानते हैं कि ये खाद का नाम क्या है और इसको कब डालते हैं। सुपर फास्फेट एवं यूरिया रोपाई के 3-4 दिन बाद डालते हैं, पोटास रोपाई के समय डालते हैं, और जिंक सल्फेट रोपाई के पहले बालू में मिलाकर खेतों में डालते हैं। और इसको खाद को डालने से क्या होता है, खेतों में धान की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और धान जो है तेजी से उगते हैं और अच्छा उसमें फल लगते हैं। बच्चों धान की फसल में बहुत सी बीमारियां लगती है, उस बीमारियों से बचाने के लिए उसको कौन कौन सा उपाय करते हैं, आओ उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उसमें रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जैसे डेमोक्रान, मेलाथियन, मोनोकोटोफास्फेट आदि रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जिससे कि कीड़े मर जाते हैं। और भी खेतों में बच्चों ये देखो कौन सा चित्र यहाँ टंगा हुआ है दिखाई दे रहा है,
बहुत अच्छे, काग भगोड़ा। खेतों में ऐसे पुतला टांगे रहते हैं ना, खेतों में काग भगोड़ा का पुतला टांगना, जिससे पशु पक्षियों से फसल की बचाव होती है। उसको देखकर पशु पक्षी जो है खेतों में नहीं आते हैं, जिससे कि खेतों के नुकसान होने से बच जाता है। आओ कुछ प्रश्न के उत्तर हम करते हैं, प्रश्नोत्तरी लेते हैं, है ना। पहला प्रश्न, धान की बुआई किस किस माह में की जाती है? धान की बुआई दो प्रकार के फसलों में, पहला खरीफ फसल जून और जुलाई माह में, रबी फसल नवंबर और दिसंबर माह में। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाली धान की कौन कौन सी किस्में हैं? मैं बताता हूं आपको, धान की किस्में, उसमें है 64 44, दुबराज, बासमती, सफरी, HMT, गुरमटिया, बुष्णु भोग। ये इसके अतिरिक्त तो और बहुत से हमारे धान की किस्में हैं जो छत्तीसगढ़ में पैदा होती है। प्रश्न तीसरा, धान की फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती है? हाँ चलो मैं बताता हूं, धान की फसलों में तना छेदक, जो तना को ना छेदा कर देता है, उसके धान के फसल को काट देता है, ऐसे कीड़े लग जाते हैं। और दूसरा होता है भूरा माहो, दीपावली के समय आप उड़ते हुए देखे हो ना माहो का कीड़ा, जो हरा हरा कीड़ा, ये कीड़ा जो है धान के फसल के रस को चूस लेता है। और तीसरा है झुलसा, जिसमें धान जो है लगभग जले जैसा हो जाता है ना, झुल, ये बीमारियां होती है। प्रश्न चौथा है, धान की फसल कितने दिनों में पक जाती है? तो बच्चों, जो जल्दी वाले धान हैं वो 90 दिन में, और जो पूर्णकालिक धान है वो 120 दिन में पक जाती है। आओ हमने क्या सीखा जानते हैं? हमने सीखा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, दूसरा धान बोने की विधियां, तीसरा चावल से बनने वाले पकवान, चौथा खेती के औजार और उसके उपयोग, पांचवा उपयोगी रसायन खाद के नाम एवं छिड़काव, और छठवां धान की फसल की बीमारियां एवं निदान के उपाय। ये जाना है ना। अब हम कुछ अभी तक जितने हमने जाना है उसका अभ्यास कार्य करते हैं। चलो पहला नंबर अभ्यास कार्य है, धान से चावल बनने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखो। ये देखो लिखा हुआ ना, कुटाई, निंदाई, बुआई और मिसाई, इसके क्रम को सही करो। तो पहले क्या आएगा? बुआई, फिर निंदाई, उसके बाद मिसाई, फिर अंत में कुटाई। बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा नंबर अभ्यास कार्य, खाली स्थान भरो। ये जो ऊपर दिया हुआ ना, इसको नीचे दिए हुए चार प्रश्नों में कौन सा उचित खाली स्थान में आएगा उसको डालना है। जैसे धान का कटोरा, मंडी और वर्षा ऋतु और व्यंजन लिखा हुआ है। तो पहला नंबर में क्या होगा? किसान धान को बेचने के लिए खाली स्थान ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं बताओ? बहुत सुंदर, मंडी में। दूसरा प्रश्न, धान की फसल खाली स्थान में बोई जाती है, बताओ कहाँ बोई जाती है? बहुत अच्छे, वर्षा ऋतु में। तीसरा प्रश्न, चावल से कई अच्छे खाली स्थान बनाए जाते हैं, चावल से क्या बनता है? व्यंजन। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? बहुत सुंदर, धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। आओ अब हम आपको घर के लिए गृह कार्य देते हैं। और पहला नंबर गृह कार्य है, जिसको आपको घर में करना है, किसी किसान के पास जाकर जानकारी प्राप्त करो कि धान की खेती कैसे करते हैं, और उसको लिखो
दूसरा प्रश्न, चावल से बनाए जाने वाले पकवान को बनाने की विधि की जानकारी प्राप्त करो और उसकी विधि को लिखो, इससे आप पकवान बना पाओगे। तीसरा, आपके आसपास के क्षेत्रों से सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है उसके नाम लिखो। बच्चों आज इतना ही, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।